इस पास्ता से मेरा कुछ खास वास्ता है, तो जरा तो रहिए तैयार स्वाद मस्ती और रिश्ते के प्यार के साथ। जिनके बिना हर सुहागन मेरी अपनी सास से मेरा रिश्ता बहुत ही करीबी रिश्ता है। प्यार भी है, मस्ती भी है, मजाक भी है, सब कुछ है। खाने में बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। और जब मैं इस शो की बात कर रहा था कि हमारा सास बहु स्पेशल चल रहा है, तो उन्होंने कहा ये क्या बात है, सास और दामाद स्पेशल नहीं हो सकता। दिलीप एक बात बताइए, ये जो आपका सास और दामाद का रिश्ता है, ये इतना मधुर है, इसका क्या राज है? इन्होंने जो प्यार दिया है मुझे 12 और 13 साल में, शादी से पहले और शादी के बाद, वो इतना बढ़ चुका है। उसमें मिठास मिठास में करम ऐसा गुड़ शक्कर जितना आप कुछ कहोगे वो सारा मिठास इसके अंदर भरा हुआ है। क्या बात है, मैं चाहूंगा इसमें जो गुड़ चीनी शक्कर है बढ़ती जाए। बिल्कुल। दिलीप ये कुकिंग कहाँ से शुरू हो गई? मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। हाँ जी। और अपनी हायर स्टडी के लिए ब्रिजवासी हूँ मैं। हाँ। मथुरा वासी हूँ और अपनी एजुकेशन के लिए, हायर स्टडी के लिए मैं दिल्ली आया था। मैं जो बाहर का खाना खाया करता था उससे कारण क्या हुआ, मुझे जॉन्डिस हो गया। और मेरे डॉक्टर ने कहा दिलीप अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी है तो ऑब्वियसली तुम्हें खाना घर का खाना होगा। पहला दाल चावल से स्टार्ट किया, खिचड़ी से स्टार्ट किया, फिर थोड़ी सब्जियां काटी, आटा गूंदा, वो पैशन और वहां से जनरेट हुआ और उसके बाद वो सिलसिला अभी तक चालू है। चलिए हम चाहेंगे कि आपके खाने में पूरा स्वाद हो और आज आप जीते, तो चलिए हमारे सास बहु स्पेशल में दामाद और सास साथ में आ जाए। बिल्कुल। मैंने आपके लिए चुना है कुकिंग का रमता जोगी, सुपर शेफ हरपाल सिंह सोखी। लाइफ में प्रॉब्लम हो, सासू मां बगल में हो, सब प्रॉब्लम सॉल्व। बिल्कुल। खाना बनाना शुरू करना पड़ेगा। श्रीमान बटलर बताइए जरा। देख लो ठीक है डिश। अरे मेरे बनी हुई है, बहुत क्या अच्छी है। बात है, बड़ी सारी चीजें देख रही है, एक दो और ये तीन, ऊपर से गार्निश। नहीं, चार लेयर हैं इसमें, एक दो तीन और चौथी ये सब्जी एंड ऊपर से गार्निश, पांचवी गार्निश। समझदारी वाली बात ये है कि नीचे एक चीज है कोई जो शायद बाजरे जैसी बाइट है काफी, ये ऊपर जो है पुलाव जैसा है, अब बीच में कुछ येलो येलो सा दिख रहा है जो थोड़ी सी खटास पैदा कर रही है, तो ये बहुत भारी कंफ्यूजन है सर। दिलीप जी क्या नाम है इस डिश का? ये प्रसाद है मथुरा का,
कहा जाता है कि जिस दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था तो भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए सारे ब्रजवासी अपने घर से कुछ ना कुछ बना के लाए थे, और जो बन के आया था उसको मिलाने के बाद जो प्रसाद बना वो अन्नकूट कहलाता है। ये है अन्नकूट। आज की डिश है अन्नकूट। कितना वक्त लगता है इसे बनाने? तकरीबन 90 मिनट्स लग जाते हैं इसको बनाने के लिए, पर हम दो हैं तो मैं मैनेज करूंगा इसको एक घंटे के अंदर। आपको मिलेगा अन्नकूट बनाने के लिए एक घंटे का समय। दोनों को शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। आपका समय शुरू होता है अब। जो बना रहा हूँ वो है बढ़िया सरदा, जैसे पंजाबी घरों में बनता है ना। तो राइस सोक कर लिया, थोड़ा सा जीरा डाला, बड़ी इलायची डाली, फिर लौंग, पाइनएप्पल के छोटे छोटे क्यूब्स डाले, और इसके बाद राइस भिगोया हुआ सौते किया वो डाला, तो शक्कर थोड़ा सा, ये पाइनएप्पल जूस, इसमें शुगर ऑलरेडी है, लास्टली सैफरन डाल देंगे ताकि कलर बढ़िया आए। क्या बात है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे जर्दे में और इसको पकाएंगे। अन्नकूट जो है उसमें तीन अलग अलग ग्रेन्स के लेयर हैं, जिसमें गेहूं है, बाजरा है और चावल हैं। जो मेरा पहला लेयर है वो मैं दूध के साथ बना रहा हूँ, और इसमें मिठास के लिए मैंने थोड़ी सी शुगर डाली है, और उसके बाद जो गेहूं की कोमरी बनेगी वो मेरा पहला लेयर होगा, और उसके बाद मैं दूसरे लेयर के लिए बाजरा यूज करूँगा। बाजरा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मैं आपको बताऊँ, ये आसानी से पकती नहीं है, तो जब भी आपको पकाना हो तो इसे आपने रात भर भिगो के रखना, फिर इसे उबालें प्रेशर कुकर में। ये उबला हुआ बाजरा है, हल्दी और नमक डाल के उबाला है। अब इसकी मैं ना बहुत बढ़िया टिक्कियाँ बनाऊँगा। अदकर जो है वो ले लेते हैं, और हरी मिर्चें, ये दोनों चॉप कर लेंगे, फिर सौते करेंगे बाजरे को, और उसके बाद टिक्कियाँ बनाएंगे। ये देखिए बाजरे को अच्छे से भून लेते हैं, और भूनने के बाद इसे मैं दरदरा पीसूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बाजरा जो है ना, अब आप देखेंगे कि ऐसे खाएंगे तो खाने में बड़ी दिक्कत होगी आपको, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसे दरदरा पीस लें। पीसने के बाद थोड़ा सा आलू कॉर्नस्टार्च मिलाएंगे, और उसके बाद बढ़िया टिक्कियां बनाएंगे। अन्नकूट का जो दूसरा लेयर है वो है बाजरे से प्रिपेयर्ड कड़ी, और ये खट्टापन मुझे लेके आना है। जो दही है पुराना है जो खट्टा टेस्ट देगा, और उस खट्टे टेस्ट को मीठे के साथ मिला के मेरा दूसरा लेयर कंप्लीट होता है। इसमें मैंने कड़ी को अच्छे से लाल मिर्ची, मेथी दाना और जीरा, उसके साथ तड़का है, और इसमें कलर के लिए जो नॉर्मल मैंने हल्दी पाउडर यूज किया है, और कड़ी का जो इंग्रेडिएंट्स है बेसन और दही, हमारा जो दही खट्टा लिया है मैंने, क्योंकि मुझे कड़ी जो बाजरे का टेस्ट है खट्टे के साथ अच्छा ज़्यादा लगता है। उस कड़ी में अब मैं बाजरा डालूंगा, और इस बाजरे से जो डेवलपमेंट होगा, जो बाजरा बड़ा साइज में होगा कड़ी को ऑब्जर्व करेगा, और उसके साथ जो बाजरा तीखा मोटापन जो देगा ना, उस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट्स होगा, और इसीलिए बाजरे को मैंने सेंटर में रखा है। क्या चल रहा है जी? मेरी पहली लेयर अन्नकूट की, ये दूसरी लेयर है मेरी, और ये तीसरी लेयर है। आप बना तो बड़े सलीके से रहे, बहुत प्यार से, और अब जब सास हो वहाँ पास खड़ी है ना, के बिना मेरे क्या हो सकता है ना।
मेरी जो तीसरी परत है वो चावल की है और चावल को मैंने संतरे के जूस में उबाला है क्योंकि मुझे ये चावल थोड़े से मीठे वाले खट्टे चाहिए और साथ में खुशबू के लिए मैंने बहुत अच्छे से केसर का उपयोग किया है इसमें और थोड़ा मीठा रंग मैं डालूंगा इसमें और उसके बाद ये जो चावल मेरी टॉप लेयर आएंगे सब्जी के नीचे गड्ढ की जो सब्जी होगी और इसका जो कलर जो दिखेगा मन भावना वो अति सुंदर होगा और उसी को मैं बना रहा हूँ यहाँ पे और मेरी जो तीसरी लेयर फाइनल होने वाली है। मैंने अलग से जो दही वाला एक लेयर मैंने देखा था ना, एक पीला कलर का दही वाला लेयर था, मुझे समझ में तो एक्चुअली नहीं आया था कि बनाया किससे था उन्होंने, लेकिन दही समझ में आया था करके मैंने दही जो है वो मंगा ली थी और दही गाढ़ी वाली दही उसको ले लिया, उसमें पुदीने का पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला मिला के बढ़िया एक ड्रेसिंग बना दी। वो अलग से परोसेंगे, पाइप करके परोसेंगे ताकि दिखने में चीज़ अच्छी लगे। ये जो गड्ढ की सब्जी मैं बना रहा हूँ एक बहुत डिफरेंट है और इस सब्जी में मैंने बैगन, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, काशीफल, अरबी ये सारी चीज़ें डाली हैं और जो साथ में मैंने मसाला लगाया है एक सूखा मसाले सारे जो मैंने एक साथ मिक्स किए हैं जिसमें लाल मिर्च है, हींग है और धनिया है, आपकी हल्दी है और उनको मैं इतना पकाऊंगा कि वो एक मिलके एक सिंगल टेस्ट डेवलप हो जाए, ये ना हो कि अलग अलग स्वाद आ पाए, जो कि मेरी रेसिपी अन्नकूट का सबसे टॉप लेयर होगा। जो स्पाइसी वेजिटेबल था उनको भी प्रॉपरली काटा है और हींग और मसालों के साथ टॉस किया। शेफ जी, सर जी, की बन रहा है? मैं भगवान को क्या भेंट। जल्दी बनाइए अन्नकूट, नहीं तो गाड़ी जाएगी छूट। आखिरी 10 सेकेंड, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मथुरा से आकर इतने प्यार से हमारे सास बहू स्पेशल में डिशेस बनी है, तो ये नीचे अनानास के चावल, फिर ग्रिल अनानास, फिर बाजरे की टिक्की सब्जी, इसको इकट्ठा टेस्ट करने की बिल्कुल करता हूँ। बिल्कुल सब चीजें आ गई। हाँ, सब आ गई। चल, दही ज्यादा है उसमें से। बैलेंस करके इसमें चार डिस्टिंक्ट चीजें हैं, मैं कहूंगा। एक तो चावल है जी सर, एक बाजरे की टिक्की है जी, एक सब्जी है बिल्कुल, और एक ये मिंट रायता है बिल्कुल। अब इस समय जो कहानी चल रही है जी सर, वो ऐसी है कि 3/4 है। 3/4? अब ये 3/4 क्या है मैं बाद में बताऊंगा। जिस तरह से आपने इसको सजा कर परोसा है उसके लिए तो बड़ी जोरदार, बिल्कुल बहुत ही अच्छा, उम्दा, दिखने में बहुत खूबसूरत। आपने इसमें जो लेयर्स दिए हैं डिस्टिंक्ट अलग अलग लेयर्स हैं, जो सब्जी है जिसमें घी पड़ा हुआ है ज्यादा, बहुत नशा है उसका, स्वाद भी अच्छा है उसमें और फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, बड़े प्यार से बनी हुई है। इसमें जो गेहूं की लेयर है जैसे सब्जियां हैं और जो बाजरे वाली लेयर है वैसा नशा नहीं,
और जो सबसे ऊपर आपने जो चावल मीठे संतरे वाले जो चावल हैं जिसमें ढेर सारा केसर डाला हुआ है, थोड़ी गड़बड़ है चावल थोड़े से रह गए। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, चावल वाले में थोड़ी गड़बड़। इसमें आपको मिलते हैं 20 में से 16 अंक। वेल डन। अब शेफ, मैंने कहा था ये 3/4 है, 4 लेयर हैं, 1 लेयर में गड़बड़ है। जो 3 लेयर हैं वो आउटस्टैंडिंग है। क्या बात। लेकिन जो सब्जी है वो बस सब्जी है, कुछ गलत नहीं है उसमें, लेकिन वो बात नहीं है। तो इसलिए 3/4। 3/4, वाह। और ये 3/4 में आपको मिलते हैं 20 में से 17.5 अंक। वेल डन। क्या बात है। आज की मेरी विनिंग रेसिपी है अन्नकूट, जो मैंने अपने अंदाज से बनाई है। और इसको बनाने के लिए राइस सोक कर लिया, थोड़ा सा जीरा, फिर लौंग, बड़ी इलायची, पाइनएप्पल के छोटे छोटे क्यूब्स, और इसके बाद राइस भिगोया हुआ, सौते किया हुआ, वो डाला, तो शक्कर थोड़ा सा, ये पाइनएप्पल जूस, इसमें शुगर ऑलरेडी है, लास्टली सैफरन डाल देंगे ताकि कलर बढ़िया आए, और इसको पकाएंगे। बाजरे की टिक्की बनाने के लिए आपने उबला हुआ बाजरा अदकर वो ले लेते हैं, और हरी मिर्ची, ये दोनों चॉप कर लेंगे, फिर सौते करेंगे बाजरे को, और उसके बाद टिक्कियां बनाएंगे। ये देखिए, बाजरे को अच्छे से भून लेते हैं, इसमें उबले हुए दो आलू डाल लें और अच्छी तरह से मैश कर लें, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें, 1/4 नींबू का रस इसमें डालें, और सारी चीज़ें मिक्स करके अच्छी तरह से टिक्कियां बनाएं, और तेल में पैन फ्राई कर लें। एक पैन में घी डालें और फिर डालें सारी सब्जियां और सूखे मसाले, सभी को धीमी आंच पे पकने दें। दही, गाढ़ी वाली दही, उसको ले लिया, उसमें पुदीने का पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला मिला के बढ़िया एक ड्रेसिंग बना दी। प्लेट करने के लिए एक रिंग मोल्ड में सबसे नीचे वाले हिस्से में आप पाइनएप्पल जर्दा डालें, बाजरे की टिक्की डालें, और उसके ऊपर सब्जियां जो है सौते की वो डाल के रख दें, जो पुदीने का रायता है उसे बढ़िया तरीके से परोसें। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.